नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। कानपुर देहात में आज अमरौधा ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में बीजेपी की खुली गुंडई देखने को मिली, जहां भोगनीपुर के बीजेपी विधायक विनोद कटियार ने ब्लॉक परिसर में बैठकर असलहों से लैस अपने गुर्गों को लगाकर गुंडई कराई और किसी दूसरे प्रत्याशी का नामांकन नहीं करने दिया और अपने प्रत्याशी बबली कठेरिया को निर्विरोध घोषित करा लिया। इस पूरी विधायक की गुंडई को कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी विधायक ने कैमरा और मोबाइल बंद रखने की धमकी दी। विधायक के असलहों से लैस गुर्गों ने ब्लॉक को जाने वाले सभी रास्ते को बैरियर लगाकर बंद कर दिया और किसी भी दूसरे प्रत्याशी को अंदर नहीं जाने दिया। ब्लॉक परिसर में बीजेपी विधायक ने गुर्गे सरेआम असलहा और हाकी लगकर गुंडई करते रहे, लोगों को वहां जाने से रोकते रहे। जिसने भी अंदर जाने का प्रयास किया उसको विधायक के गुर्गों ने गालियां देते हुए जमकर पीटा और पूरे ब्लॉक परिसर को कब्जे में ले रखा था। हर तरफ असलहों का प्रदर्शन होता रहा और शासन प्रशासन के अधिकारी चुपचाप तमाशा देखते रहे। विधायक ने अपने गुर्गों के गुंडई के बल पर किसी दूसरे प्रत्याशी का नामांकन नहीं होने दिया और अपने प्रत्याशी बबली कठेरिया को निर्विरोध घोषित करा लिया। सपा प्रत्याशी सुदामा देवी ब्लॉक में नामांकन कराने के लिए पर्ची लेकर पहुंची, तभी गेट के बाहर दौड़ कर आए विधायक के गुंडों ने सुदामा देवी को अंदर आने से रोका और गेट बंद कर दिया। इसके बाद बीजेपी के गुंडों ने सुदामा देवी को जमकर गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट कर दी और नामांकन कराने आई सुदामा देवी का पर्चा बीजेपी विधायक के गुंडे लेकर भाग गए और वहां खड़े पुलिस के अधिकारी कुछ नहीं कर सके, सिर्फ तमाशा देखते नजर आए। सुदामा देवी ने पुलिस प्रशासन पर बीजेपी विधायक विनोद कटियार पर अपने गुंडों के सहारे नामांकन न करने देने पर आरोप लगाया और अपने साथ हुई मारपीट का दर्द भी बयां किया। बीजेपी विधायक विनोद कटियार ने अपने प्रत्याशी बबली कठेरिया को निर्विरोध घोषित कराए जाने के बाद भोगनीपुर एसडीएम और सीओ को धन्यवाद कहा। साथ ही विधायक के गुंडों ने विधायक विनोद कटियार जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं इस पूरे मामले पर मौके पर मौजूद एसडीएम भोगनीपुर ने इस पूरी घटना को गलत बताया, जबकि कैमरे में कैद लाइव तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आखिर कहीं ना कहीं सत्ता की हानत और विधायक के दबाव के आगे एसडीएम साहब को ऐसा बोलना पड़ रहा है। कानपुर से चैनल इंडिया लाइव के लिए अभिषेक पांडे की स्पेशल रिपोर्ट।